2.97 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट सिर्फ केवल यमुना एक्सप्रेसवे के ऊपर आया है, 10 गुना जाने वाली है अगले 2 से 3 साल के अंदर। समझ लीजिए आपका लकी ड्रॉ में नाम आ चुका है, आपका इन्वेस्टमेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ से 4 किलोमीटर पे आपका एयरपोर्ट है। इंट्रोड्यूस अस टू द प्रॉपर्टी ऑफ एरो वेस्ट ग्रीन। आपका भी हो सकता है एयरपोर्ट के पास में से एक रेजिडेंशियल फार्म की फील, और बन रहा है ये दिल्ली जैसा छतरपुर फार्म और सैनिक फार्म, जो कि 60 फुट की रोड है, लाइट बिजली पानी पक्का, कंस्ट्रक्शन सब मिलने वाला है। फेज 1 सोल्ड आउट भी हो चुका है। वी वर पर्टिकुलरली इंप्रेस्ड बाय दिस प्रोजेक्ट, प्लानिंग टू हैव अ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। जो दिख रहा है वो बन रहा है। ये प्रॉपर्टी कमाल की है। फेज 2 में आपको इन्वेंट्री देने वाले हैं। आपको यहाँ से 8 से 10 मिनट की दूरी रह जाएगी एयरपोर्ट की। थैंक यू। हेलो दोस्तों, आ गया हूँ नई अपडेट लेकर के। यमुना एक्सप्रेसवे की अपॉर्चुनिटी जिसने मिस आउट करी वो पछताया, और अब दोबारा एक अपॉर्चुनिटी मैं लेके आया दोस्तों। मैं अपडेट देने वाला हूँ, यहाँ से 4 किलोमीटर पे आपका एयरपोर्ट रह जाता है दोस्तों, और हमारी सोसाइटी यहाँ से तकरीबन 5 किलोमीटर पे है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे आप देख रहे हैं सेक्टर 28, जो कि यहाँ का इंडस्ट्रियल एरिया है। सेक्टर 28, 29, 30, 31, 32 एंड 33, ये 6 सेक्टर्स ऐसे हैं जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है। ये आखिरी सेक्टर आते हैं यमुना एक्सप्रेसवे के, उसके बाद यहाँ से 4 किलोमीटर से आपका नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ जाता है दोस्तों। तो ये यमुना एक्सप्रेसवे की अथॉरिटी की डेवलपमेंट अभी अपन चल के देखेंगे, जो अथॉरिटी की डेवलपमेंट के अंदर कौन सी कंपनीज अपने वर्किंग पे आ चुकी हैं। जैसे कि बात करें बीकानेर, बात करें सूर्या फिल्म्स, बात करें प्रिया गोल्ड कंपनी की, ये सारे कॉन्सेप्ट अब यहाँ पे रेडी हो चुके हैं। इतना बड़ा एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे आ चुका है दोस्तों कि आज आपके बच्चे या आप खुद हो सकता है यहाँ पे काम करने के लिए। सेक्टर का किसी क्षेत्र में आ जाना बहुत महत्वपूर्ण होता है, और जिसकी वजह से सारी डेवलपमेंट डिपेंडेंट हो जाती है, क्योंकि यहीं से आपका एम्प्लॉयमेंट है, यहीं से आपके एमडी सीएमडी किसी कंपनी के काम कर रहे होंगे, उन्हीं को रेजिडेंशियल फार्म्स और लग्जरी भी चाहिए होगा। दूसरी चीज, आप ये एवरी डायरेक्शन देख रहे हैं सामने, ये एवरी डेनिसन का फैक्ट्री है, ऑलरेडी ये वर्किंग है सारी चीजें। राइट में आप देखेंगे जो डेवलपमेंट ऑलरेडी इनके प्लॉट्स निकले हैं, उन लोगों ने अपने इंडस्ट्रीज और वेयर हाउसेस बनाने भी शुरू कर दिए हैं। तो इस 10 गुना जाने वाली है अगले 2 से 3 साल के अंदर। तो ये डिपेंडेंस आपकी देख रहे हो, ये सारी चीजें, ये बीकानेर आप दिखाएंगे, और ये देखिए किस तरह से यहाँ पे चीजें ऑलरेडी एम्प्लॉयड एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ है लोगों को काम करने के लिए। और साथ साथ में ये दिखाइए राइट में आज जो डेवलपमेंट हो रही है, जो इंडस्ट्रीज बन रही हैं, तो ये पूरा क्षेत्र इंडस्ट्रियल का है। इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर इंडस्ट्री बनती है, क्योंकि नोएडा की अंदर सबसे अच्छी बात है कि जोनिंग बहुत अच्छी है। जोनिंग के अंदर कोई रेजिडेंशियल पार्ट रेजिडेंशियल में, कमर्शियल कमर्शियल के अंदर, और आपका इंडस्ट्री इंडस्ट्री के अंदर। तो अभी हम इंडस्ट्री के लास्ट सेक्टर में है। यहाँ से 4 किलोमीटर पे आपका एयरपोर्ट है। अब इसके अंदर हैंडलूम इंडस्ट्री, लेदर इंडस्ट्री, और आपके ट्रांसपोर्ट नगर, टॉय सिटी सेंटर, सब कुछ यहीं से क्रिएट होने वाला है। तो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दोस्तों मिलने वाली है। तो इसकी वजह से आपका इन्वेस्टमेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है इस खूबसूरत प्रॉपर्टी के ऊपर, जिसके ऊपर चलने वाले हैं। वेलकम टू यमुना एक्सप्रेसवे की एरो वेस्टर्न ग्रीन फार्म। राइट, जैसा कि आप देख रहे हो, यह है 60 फुट का एंट्रेंस। हम पहुंच चुके हैं अपनी मंजिल पर, जिसका नाम है AWG एरो वेस्टर्न फार्म। राइट दोस्तों, मैंने हमेशा अपडेट दिया है, ये मैसिव सा गेट का ये वीडियो नीचे चल रही है, एज इट इज आपको गेट जो दिख रहा है वो बन रहा है। तो आप देख रहे हैं काम चल रहा है, विद इन अ मंथ ऑफ टाइम हम यहाँ से एंट्री एग्जिट लेंगे, और देखेंगे ये 60 फुट की एंट्रेंस सोसाइटी के लिए क्या मजेदार होने वाली है। लाइट बिजली पानी पक्का कंस्ट्रक्शन सब मिलने वाला सोसाइटी में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको एंट्री बताया था, अब आ चुके हैं हम सोसाइटी के अंदर, एरो वेस्टर्न ग्रीन फार्म AWG। राइट, चलते हैं अंदर। जो हमने कंस्ट्रक्शन करी है, 2700 गज का एक फार्म दिखाने वाला हूँ आपको। ये रोड तो दिख रही है आपको, ये आपकी 60 फुट की रोड है मेन एंट्री। चलते हैं अंदर और देखते हैं अंदर। कम ऑन, फॉलो मी। ब्यूटीफुल। अब यहाँ से आपको फार्म का मजा मैं दिखाने वाला हूँ दोस्तों। ये हमारी मेन एंट्री है इस फार्म के लिए, और ये पार्किंग पे हम खड़े हैं। चलते हैं अंदर, देखते हैं कि क्या लॉन का क्या मजा है, क्योंकि आपका भी हो सकता है अगर आप लेते हैं यहाँ पे यमुना एक्सप्रेसवे के पास में। ये बड़ी सी सोसाइटी, 100-200 एकर्स का लैंड बैंक हमने बांधा है, और बन रहा है ये दिल्ली जैसा छतरपुर फार्म और सैनिक फार्म, जो कि आप अपने एक्सपीरियंस पे बैठे हो, लेके देखा है आपने। तो चलते हैं, देखते हैं यहाँ के मजे को। जैसा कि आप जानते हैं, लखनऊ में जो GBC हुई है, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी, 2.97 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट सिर्फ केवल यमुना एक्सप्रेसवे के ऊपर आया है। तो दोस्तों, आप समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आपका
छोटा इन्वेस्टमेंट होना जो कि आपको मिलेगा बड़ा होकर के। अगर आपका विजन 2 से 4 या 5 साल का विजन आप रखते हो तो मैं कहता हूँ ये प्रॉपर्टी कमाल की है, ये प्रॉपर्टी आपको मजा देगी और आपका बदलेगी किस्मत। इसलिए दिल्ली जैसे NCR जैसे इन्वेस्टर्स यहाँ पे आ रहे हैं, और केवल दिल्ली NCR के इन्वेस्टर नहीं, यहाँ के इन्वेस्टर गुजरात, MP, ग्वालियर और साउथ की बहुत इन्वेस्टमेंट आ रही है। तो यमुना एक्सप्रेस वे एक इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट जोन बन चुका है आज की डेट में। एयरपोर्ट के पीछे इन्होंने लगा दिए 5 ड्राइविंग फोर्स, गिनवा देता हूँ आपको। पहला एजुकेशन सेक्टर, सेक्टर 17, उसके बाद 18, 19, 20 जो कि आपका रेजिडेंशियल सेक्टर है जिसके अंदर प्राइस चल रहा है ₹1,00,000 स्क्वायर मीटर का प्राइसिंग हो चुका है दोस्तों, मैं आपको रिमाइंड कराता हूँ। फिर उसके बाद सेक्टर 21 फिल्म सिटी, कौन नहीं जानता, बोनी कपूर और आशीष भुटानी जी साथ में लेके आ रहे हैं, उनको अलॉटमेंट मिल चुकी है। तो फिल्म सिटी का जिसको इंतजार था, जिस पार्ट ऑफ सिनेमाज आपको यहाँ पे दिखने वाला है वो इंतजार हो गया है पूरा और उसका हो गया है काम चालू। कुछ सालों के अंदर आपको लगेगा कि यहाँ पे यार कुछ वो टाइम था, वो मौका था लेकिन ले नहीं पाए, तो दोस्तों ये मौका आप तक पहुंच रहा है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो समझ लीजिए आपका लकी ड्रॉ में नाम आ चुका है दोस्तों, तो इसको आप समझ के चलें। और यहाँ पे हमारी 1,000 गज की यूनिट 1,031 गज का मिनिमम साइज दे रहे हैं। प्राइजिंग आपको डिस्क्रिप्शन में मिलने वाला है दोस्तों, और ये प्राइजिंग ऑलरेडी इतने इस प्राइजिंग से 10 गुना जाने वाला है अगर आपका विजन 5 साल का है। ये बम्पर ऐसी प्रॉपर्टी है जो पहला आपकी बदल देगी किस्मत, और मैं लिख के देता हूँ कि यहाँ पे मजे की चीज आप तब मानोगे कि आपका एयरपोर्ट के पास में से एक रेजिडेंशियल फार्म की फील और उसको कमर्शलाइज करने का मजा और एयरबीएनबी करने का मजा आपको मिलने वाला है। इसको होटल में बना करके आप पैसे भी बनाओगे और इतने कि आप गिनते गिनते थक जाओ। लोग जो मेरे साथ जुड़े 1 साल पहले इस वीडियो के माध्यम से, उन लोगों को मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी दी, आज वो डबल पे बैठे हैं दोस्तों। अभी भी टाइम नहीं गया है, अभी यहाँ से 10 गुना इसको जाना है। तो दोस्तों देख रहे हैं ये पूरा डेवलपमेंट हो चुका है, फेज 1 सोल्ड आउट भी हो चुका है, फेज 2 में आपको इन्वेंट्री देने वाले हैं दोस्तों। ये देख रहे हैं यार, ये पूरा जो ये समा दिख रहा है आपको, ये हमारा फर्स्ट फेज ऑफ एरो वेस्ट ग्रीन AWG फार्म। तो ये प्लॉट हम बाउंड्री करके, गेट लगा के और ये 40 फुट का रोड दे के आपको बना के दे रहे हैं। ये 2 साल के अंदर यहाँ पे आपको ये लश ग्रीन मिले, तो ये दोस्तों ये डेवलपमेंट आज आप विटनेस कर रहे हो तो बहुत लकी हो। आज मैं बता दूं आपकी इन्वेस्टमेंट यहाँ से 10 गुना जानी है, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ का 120 मीटर का रोड का आ जाना, आधा बन चुका है, चक जलालाबाद तक बन चुका है, जिसकी नोटिफिकेशन आज 12 जनवरी को हमारे पास 2024 में रिसीव हो चुकी है और उसके गवर्नमेंट की तरफ से एक्विजिशन चालू हो चुकी है। रोड का काम जल्दी कंप्लीट होने के बाद ये मजा आपको मिलने वाला है। जब ये रोड बन जाएगा तो ये पलवल खुर्जा पर जुड़ेगा और लेफ्ट मारती एयरपोर्ट पर जुड़ेगा, तो टेक्निकली दैट टाइम आपको यहाँ से 8 से 10 मिनट की दूरी रह जाएगी एयरपोर्ट की, एरो वेस्टर्न फार्म से जाने के लिए, समझ रहे हो। तो कितना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट सही टाइम पे आ जाना। तो दिए गए नंबर के ऊपर कॉल करें और समझें और अपॉर्चुनिटी को मत जाने दें। लकी है जो आपको ये देखने को मिला। हेलो, आई एम कर्नल चंदोला, आई रिटायर्ड फ्रॉम द आर्मी अबाउट 4 years बैक एंड दिस इज पारुल, माई वाइफ। आई लिव इन ग्रेटर नोएडा एंड आफ्टर माई रिटायरमेंट आई वॉज ऑन अ लुक आउट फॉर सम प्रॉपर्टी अलॉन्ग द यमुना एक्सप्रेस वे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वी ऑल नो दैट JY एयरपोर्ट वॉज कमिंग एंड डूरिंग वन ऑफ दिस सर्चेज मी एंड पारुल वी केम अक्रॉस मिस्टर खान ऑन द इंटरनेट, वी कॉन्टेक्टेड हिम। मिस्टर खान वॉज वेरी नाइस, ही टुक अस अराउंड द होल एरिया स्टार्टिंग फ्रॉम JY एयरपोर्ट टू द फाइनली ही इंट्रोड्यूस अस टू द property of Aero West Green. We both of us went there a couple of times, we saw the property and we were particularly impressed by this project because this is probably the largest contiguous piece of land. Unlike other, now I have bought one plot there, the registry has been done, the mutation has been done and I have taken over that plot. Apart from many things which appeal about Aero Western Greens, like very wide roads, lot of area for further developments, they've planted a lot of trees, they are going to have a clubhouse. They are probably the only such gated farmhouse society in the area which is planning to have a sewage treatment plant. Now it may not seem very important now, but as and when the development comes up and the people start staying there, I think the sewage treatment plant would be of great utility and one of the USPs of this project. Parul, you have something to add? I'm very excited to put up a house there, a cottage there, because I'm looking forward, you know, to stay there with my family. As you know, it is far away from the hustle and bustle of the city and I can enjoy the beauty of nature and the serene environment over there. So I'm looking forward. Yeah, before we close, I'll just like to, you know, thank Mr. Khan. Kyunki unki madad se ye pura jo process tha mera, mere liye bahut aasan hua. Thank you.